हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अंजना किचन क्यू में आपका स्वागत है। आपने चिकन मोमोज, वेज मोमोज और पनीर मोमोज बहुत खाए होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया मोमोज। आप बहुत टेस्टी लगते हैं। आप देखें, हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की मंगोड़ी से सोया अफगानी मोमोज। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ली है और उसके अंदर आधा चम्मच नमक, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसका आटा गूंथना है। मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के यूज कर रही हूँ और इसका अच्छे से हमें आटा, रोटी की जैसे हम रोटी बनाते हैं ना गेहूं का आटा, वैसे हमें इसका गूंथ के तैयार करना है। देखिए हमारा आटा गूंथ के तैयार है बिल्कुल। हमें इसे गेहूं के आटा जैसा होता है ना, रोटी की तरह से गूंदना है। और हमारा आटा तैयार है गूंथ के। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे और इसे थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है। देखिए बिल्कुल हमारा रोटी की तरह आटा गूंथ के तैयार है। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए मैं छोड़ देती हूँ ढककर। यहाँ मैंने थोड़ी सी सोयाबीन की मंगोड़ी गर्म पानी में डाल के रख दी है। इन्हें 5-10 मिनट के लिए हमें ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पर देखो मैं मोमोज की चटनी तैयार कर रही हूँ। एक टमाटर और 6-7 मैंने लाल मिर्च ली है जिन्हें मैं अच्छे से उबाल रही हूँ। यहाँ पर ये हमारी सोयाबीन की मंगोड़ी देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था, अभी ने हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है अच्छे से बारीक। देखिए हमारी सोयाबीन मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। इसे थोड़ा दर दर हमें पीसना है और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी लिया, पत्ता गोभी, ये मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अच्छे से इन्हें मिक्स करना है। ये हमारी मिक्स हो चुकी है। अब जो मैंने सोयाबीन बारीक बारीक मैंने पीसी थी, अब हमें इसमें वो ऐड करनी है। गैस हमें स्लो कर देना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा मसाला ऐड करने हैं, स्वाद अनुसार नमक डालना है हमें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार मतलब कम ज्यादा कर सकते हो। सोयाबीन और पत्ता गोभी भून चुकी है, इसमें मैं तैयार हो चुका है और बिल्कुल सूख चुका है। अब हम अपने मोमोज बनाना तैयार करते हैं। स्टार्ट करती हूँ। मैंने थोड़ी सी ये मैदा लिया, उसकी लोई सी बना ली है और हम इसे हल्का सा ऑयल लगा के बेलते हैं। पूरी की तरह गोल बेलना है। देखिए हमारी अब बिल चुकी है ये। अब हम इसमें अपना जो मिक्सर बनाया उसके अंदर भरते हैं। ये मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा सा जो मैंने सोयाबीन का मिक्सर लिया है वो डालते हैं। अगर आपको गोल शेप दे सकते हो और जैसे आपका मन करे वैसे आप शेप दे सकते हो। देखिए हमें ऐसे ही सारे मोमोज अपने गोल शेप में बना रही हूँ। मैं अपने मोमोज तैयार करती हूँ। देखिए हमारे सारे मोमोज बनके रेडी हो चुके हैं। और मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें एक गिलास पानी रख दिया और पानी हमारा उबलने लगा है। और मैंने एक ट्रे ली है जिसमें हमें मोमोज रखने हैं। पहले इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं जिससे हमारे मोमोज चिपके ना। मैंने इसमें ऑयल लगा लिया और इसमें हम अपने मोमोज अब रखते हैं। ऐसे हमें इसमें अपने सारे मोमोज रखने हैं जो स्टीम में ये हमारे मोमोज पकेंगे, जो इसकी स्टीम निकलेगी पानी से। देखिए सारे मोमोज मैंने प्लेट में रख दिए हैं और इस पर हमें थोड़ा थोड़ा अपने मोमोज पे ऑयल लगाना है जिससे हमारे मोमोज चिपके ना और ऊपर से पानी में वैसे ना हो। इस वजह से हमें थोड़ा ऑयल लगाना है इन पे। मैंने ऑयल लगा दिया इन पे सब पे। अब मैंने अपने सारे मोमोज प्लेट में कढ़ाई के अंदर रख दिए और अब इसे हम ढक के छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। देखिए इतने हमारे मोमोज बन रहे हैं, इतने हम अपनी सॉस बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 6-7 मिर्च ली हैं और इन्हें गर्म पानी में जो मैंने भिगोया था, और एक टमाटर, टमाटर का हम छिलका उतार देते हैं। मैंने लाल मिर्च और टमाटर, थोड़ा सा धनिया और 6-7 ये लहसुन की कलियाँ जो मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, और आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालना है और हम इसे अब ग्राइंड करते हैं। देखिए हमारी मोमोज की चटनी तैयार है।
बिल्कुल बनके। अब आपको अगर इसे इसमें छोक लगाना छोक लगा सकते हो, और वैसे ऐसे ही मोमोज की सॉस खाई जाती है। देखिए अब हम अपने मोमोज चेक करते हैं। देखिए हमारे मोमोज कितने अच्छे और पहले से थोड़े बड़े साइज हो गए हैं। हमारे मोमोज हम चेक करते हैं, लगभग हमारे मोमोज तैयार ही हैं। और अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। हमारे देखिए अब मैं अपनी सॉस तैयार करती हूँ। मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया यहाँ पर। इसे देखिए तेल में अच्छे से गर्म कर रही हूँ, जो हमारी चटनी में एक छोक लगेगा। गर्म हो चुका है, अब मैं जो मैंने फ्रीज से रखा था वो डालती हूँ। मैंने अपने टमाटर और जो भी लहसुन वसन पीसे थे वो मैंने यहाँ डाल दिए। इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऐड करती हूँ। 1/2 चम्मच चीनी डालनी है, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस लिया है। 1/2 नींबू का रस डालना है, इसके अंदर मैंने 1/2 नींबू का रस डाल दिया है। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी मोमोज की चटनी बिल्कुल तैयार है, अच्छे से हमारी ये भुन चुकी है। अब मैं अपना गैस बंद कर देती हूँ। देखिए अब हमारे मोमोज बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब अपने मोमोज मैं प्लेट में निकालने जा रही हूँ। इन्हें हम किसी प्लेट में निकालते हैं। देखो हमारे मोमोज चिपके नहीं है, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था इसलिए मोमोज हमारे चिपकेंगे नहीं। सारे मोमोज हमें ऐसे ही निकालने हैं। देखिए अब हम अपने मोमोज को फ्राई करने हैं, डीप फ्राई करने हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया अपने मोमोज डीप फ्राई करने के लिए। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और मैं अपने इसमें अपने मोमोज डीप फ्राई करूंगी। हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि हम अफगानी मोमोज बना रहे हैं। देखिए हमारे मोमोज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इतना ही ब्राउन कलर हमें अपने मोमोज को देना है। और मेरे अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। मैं गैस बंद करती हूँ, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इन्हें किसी प्लेट में निकालते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तंदूरी सॉस लिया है, और थोड़ी सी मैं मीनू डालूंगी। मीनू सॉस डाली है, इसे हमें इसमें फ्रेश क्रीम डालनी है। हमें चाट मसाला डालना है इसके अंदर, और थोड़ा सा हमें मेल्ट किया हुआ बटर डालना है। अब हमें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमारी ये अफगानी सॉस तैयार है। इसमें मैं अपने मोमो डाल के इसके अंदर डाल दिए, और अभी इन्हें हमें अच्छे से सॉस में मिक्स करना है। देखिए अब हमारे अफगानी सोया मोमोज रेडी हैं। अब मैं इसे किसी प्लेट में गार्निश के लिए निकालती हूँ। देखिए हमारे सोया अफगानी मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप बनाइएगा, और चिकन के मोमोज भूल जाओगे, बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हमारे सोया अफगानी मोमोज रेडी हैं।